अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूं। तो किस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहां पे ये देखिए, मैंने बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों से चौकोर कपड़े के पीस कट कर लिए हैं, जितनी भी मुझे कपड़े की ज़रूरत थी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आपने इस कपड़े की कितनी रखनी है, जिस भी साइज़ का आपको ट्राइंगल बनाना है ना, उतनी ही आपने रखनी है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा चौकोर कपड़े का पीस मैंने इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कट कर लिए हैं 2 कलर में। ठीक है, कंट्रास्ट कलर में हमने बनानी है फैब्रिक ट्रायंगल लेस। तो उसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है और इस पर आपने आधी सिलाई लगानी है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे कलर का ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से और इसे भी हम रखेंगे। अच्छा, खुली साइड जो है ना इस कपड़े की, वो एक तरफ ही रखनी है आपने, ये ना हो कि अलग अलग आप रखें। एक ही तरफ रखते हुए आपने इस तरीके से इस पर सिलाई लगाते जानी है और इसकी आपने एक लेस बनाते जानी है। ये देखें, इस तरीके से आप किसी नोकदार चीज़ से भी इसे अंदर की तरफ रखते हुए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मुझे लेस की ज़रूरत है उतनी ही लेस मैं रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही खूबसूरती से आपकी ये फैब्रिक ट्रायंगल लेस बन जाएगी कंट्रास्ट में। ठीक है, आप चाहें तो एक कलर की भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, लेस बन के रेडी हो गई है। इस तरह से आप लेस बना के आस्तीन में, पाइचे में, दामन में भी लगा सकते हैं। तो अभी इस लेस को हमने गले में लगाना है। तो गले में लगाने के लिए यहाँ पे ये देखिए, मैंने कमीज़ पर ही गोल गले की मार्किंग कर ली है। आप चाहें तो बुकरम के साथ पहले इस गले को रेडी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बुकरम के बगैर बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये गोल गले की मैंने कटिंग कर दी कमीज़ पे और अब यहाँ पे मैंने एक उरेब पट्टी कट की है इस तरीके से। अब इस उरेब पट्टी को हम लगाएंगे कमीज़ की सीधी साइड पर और यहाँ पे हमें जितनी भी बारीक या चौड़ी पाइपिंग बनानी है उतनी ही हम इस पट्टी के साथ पाइपिंग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, इस तरीके से मैं रखूँगी इस पट्टी को कमीज़ की सीधी साइड पर। ठीक है, और 1/2 इंच जितना कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, पट्टी को आपने खींच के नहीं रखना। ठीक है, इस तरीके से आपने नॉर्मल पट्टी पकड़नी है और इस तरीके से, क्योंकि ये उरेब पट्टी होती है तो ये बिल्कुल आसानी से घूम जाएगी, कोई इसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो आपने इस तरीके से पूरे गले की गोलाई में इस उरेब पट्टी को लगाना है। लगाने के बाद आपने इसकी पाइपिंग रेडी करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़रा जल्दी में दिखा रही हूँ, क्योंकि गोल गले में उरेब पट्टी के साथ पाइपिंग बनाने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किस तरीके से आप फिनिशिंग के साथ पट्टी के साथ पाइपिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा दूँगी और उसके बाद हमने जितनी भी बारीक या मोटी पाइपिंग बनानी है उतनी ही इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने इस पर सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ, सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब आपने जो ट्राइंगल लेस रेडी की है ना, अब इस लेस को आपने इस तरीके से रखना है, जितना भी आपको बाहर की तरफ इस लेस को दिखाना है उतना ही रखते हुए आपने इस पर सिलाई लगा के इसे गले के साथ अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे इस पर सिलाई लगाती हूँ, पूरे गले की गोलाई में हम इस तरीके से इस लेस को रखते जाएंगे। ये बिल्कुल आराम से घूमती जाएगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसे घुमाने में। ठीक है, तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसे रख रही हूँ और इस पर मैं सिलाई लगाती हूँ। सिलाई लगने के बाद ये देखिए, ये नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, कितना खूबसूरत ये बन गया है और कितना ज़्यादा आसान तरीका था। ये देखें, पीछे ना मैंने कमीज़ का पिछला हिस्सा रख के दिखा रही हूँ ताकि ठीक तरीके से मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि नेक डिज़ाइन रेडी होने के बाद किस तरीके से दिखेगा। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।